तो ताऊ जी आज किस तरह का जो पशुधन है अपने डेयरी फार्म पे? आज गाय भैंस जी बिक्री वाली और बिकी हुई भी, बिक्री वाली और बिकी हुई भी दोनों आप दिखाओगे? सब दिखाएंगे। तो जो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की स्पेशल वीडियो मुर्रा का हब, मुर्रा का गढ़ कहे जाने वाले जिला हिसार के गांव मिंगनी खेड़ा से काफी बुलंदियों पे, काफी प्रसिद्धियों पे जो डेयरी फार्म है वो भाविका डेयरी फार्म, और जो हम सबके प्रिय, मैं कहूंगा जो हमारे ताऊजी हैं, आप यहाँ पे देखिएगा सोशल मीडिया के काफी एक्टिव चेहरे, न सिर्फ अच्छी और उत्तम क्वालिटी की जो भैंसे हैं वो हमारे पशुपालक भाइयों को देते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उनका दिल भी जीतते हैं सच्ची और खरी बातें कह करके। तो आज इनके फार्म से न सिर्फ आपको भैंसे जो सेल के लिए अवेलेबल है वो मिलेंगी, बल्कि HF और क्रॉस ब्रीड काउज हैं वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। खचाखच भरा हुआ डेयरी फार्म, कुछ एक पशुओं का जो लोड है वो आज यहाँ से वो भी जा रहा है, तो सीधा लेकर के चलेंगे ताऊजी के पास, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार ताऊजी। नमस्कार सभी वीडियो देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया है संदीप। स्वास्थ्य वगैरह ठीक है ताऊजी? एकदम ओके है। तो काफी समय के बाद हम लोगों की मुलाकात अब की बार हो रही है। हाँ, कभी कौन से बनवाई है, कभी सुरेंद्र आ गया, तो कभी कौन सा, और होना भी चाहिए ऐसे, है ना। एक बार फौजी से बनवाई थी अपना, प्रवीण से, प्रवीण फौजी, ठीक है। तो ताऊजी आज किस तरह का जो पशुधन है अपने डेयरी फार्म पे? आज गाय भैंस जी बिक्री वाली और बिकी हुई भी, बिक्री वाली और बिकी हुई भी दोनों आप दिखाओगे? सब दिखाएंगे। तो जो बिकी हुई है वो कहाँ जा रही है? वो जाएंगे आज पुना, पुना के लिए, महाराष्ट्र के लिए। कितना पशुधन जा रहा है पुना? एक लोड जाएगा कल के लिए अपना कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। विदर्भ से कुछ कस्टमर्स हैं, इनके रिव्यू भी एक बार ले लेते हैं, दो शब्द इनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर, कैसे हुआ? भाइयों, अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए, अच्छे पसाओ के लिए और टीका छुड़ाने के लिए LDM के साथ मिल्क मास JS की गोली जरूर दें। और हाँ, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं Flipkart और Amazon से, और यह दोनों हरेक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। शुभ नाम बता दीजिए प्लीज। रविंद्रनाथ। तो रविंद्र जी पहली बार आए इस फार्म पे? हाँ, इधर पहली बार। पहली बार आए हो, क्या कहोगे सर इस फार्म के बारे में? अच्छा, भैंसा भी अच्छा है, गाय ले रहे। अच्छा, लिए 10 गाय लिए। 10 गाय लिए। हाँ, तो एक एक गाय का दूध अपने हाथों से देख करके अपने संतुष्ट हो? किस तरह का कामकाज है सर अपना वहाँ पे? अपना किस तरह का काम है आपके वहाँ पे, लाइक सेल परचेज है या फिर दूध का कारोबार है? दूध का कारोबार। दूध का क्या कुछ भाव बिक जाता है? दूध 60 रुपए लीटर। तो पहले कहाँ कहाँ से जो पशुधन है वो आपने खरीदा? हरियाणा से। इस डेयरी फार्म पे पहली बार आए हो? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो सारा घूम घूम करके भीम भाई हो या इनके फादर साहब हो, घूम घूम करके ठीक है, संतुष्ट हो? कैसे लगे व्यवहार के, कैसे हैं खाने दाने की सुविधा आपको, कैसी लगी? सब सही है। तो जितने भी पशुपालक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, आना चाहिए इस फार्म पे? नहीं, आना चाहिए, देख के अपना ले जाओ, बहुत अच्छा काम, वर्षों पुराना जो अनुभव है, एक भरोसे का प्रतीक जो डेयरी फार्म है वो आप कह सकते हैं। चलिए सर, बार बार शुभकामनाएं, ऐसे ही आप हरियाणा प्रदेश में आते रहे, अच्छा पशुधन लेकर के जाते रहे। तो ताऊ जी कहाँ से शुरुआत करेंगे? यहीं से करेंगे, यहीं से करेंगे। खोलें भाई, बताओ सर क्या कुछ डिटेल्स हैं? आज की ब्याई है। अच्छा, और अभी खीस से आधा खाली हुआ है, सुबह से ब्याई है जी। ब्यात कौन सा है इसका? ब्यात सेकंड है। दूसरे ब्यात में पशुधन आप देखें, जबरदस्त पीठ, बॉडी वेट, अडर की क्वालिटी, नसों का जो जाल है,
साफ साफ एक दुधारू पशुधन को प्रमाणित करता हुआ आज ही काविंग करी है, बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चा क्या है जी इसके नीचे? इसके नीचे कटड़ा है जी। हेल्दी जो मेल काफ यानी कि जो कटड़ा है उसको जन्म दिया। साइड से अडर में जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, मोटी मोटी जो वेन्स हैं, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, काफी बेहतरीन। सेकेंड टाइमर झोटी है वो, क्या कुछ कीमत है सर इसकी? इसकी 1,40,000 है संदीप। 1,40,000 रुपए। क्या कुछ दूध निकाल देगी ताऊ जी? कम से कम देगी तो 18+ देगी। 18+ दूध इसने देने ब्यात में 16 दिया हुआ है। 16 किलो दूध दे रखा है, ठीक है। अगले पशुधन पे आएंगे जी, बता दीजिए क्या कुछ। ये क्या बना है संदीप? प्रेग्नेंट है ये, करीबन एक महीना बाकी है, एक महीने का समय बचता है। तो ये एक इससे अगले वाली है, इसका ये सेल नहीं करनी, डेड विनर है। सेल करेंगे सभी, लेकिन अभी क्या बन, ठीक है किसी का। ये है इसकी, बता दीजिए क्या कुछ डिटेल्स। इसका ये डेढ़ महीना बाकी है अभी जी। कौन सा ब्यात रहेगा? दूसरा सेकंड भी आएगी, दूसरे ब्यात में काविंग करेगी। जबरदस्त हाइट, जबरदस्त जो कदकाठी ब्यूटी वाला जो चेहरा मोरा है वो आप देखिएगा, काफी काफी बेहतरीन, काफी शानदार। और डेढ़ महीने का जो समय है बचता है, क्या कुछ दूध निकाल रहा है? खारकी ने 17 लीटर निकाला, 17+ देगी, ठीक है। तो क्या कुछ मोल भाव, क्या कुछ कीमत? मोल तो मौके पर होगा, नहीं बात तो कोई आप बता दो, कोई बात नहीं। देखो जब औरों का हम बता रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ताऊ जी। आप लेगा तो 1,35,000 की देंगे, ब्याड़े के बाद ब्याड़े मोल हो गए। चलो चलो बहुत बढ़िया। 1,35,000 रुपए जो कीमत है, जो कॉस्ट है वो रखी है। जबरदस्त हाइट, जबरदस्त जो पीट क्वालिटी है उसमें, प्योर जेट ब्लैक टेल के साथ, सेकेंड टाइमर झोटी। एक और पशुधन निकल करके आ रहा है जी, बता दीजिए। ये बताने दूसरे बता दो, तीसरा ब्याह तो 16 लीटर दूध तैयार है, 10 दिन की ब्याई है। तीसरे ब्यात में 10 दिन की ब्याई हुई, 16 लीटर दूध मौके पे तैयार। चेहरे मोरे की जो बनावट है वो आप देखिएगा, पीट बॉडी वेट है वो आप देखिएगा, काफी काफी बेहतरीन शानदार जो पशुधन है वो पशुपालक भाइयों के सामने लेकर के आए हैं। क्या कुछ मोल भाव रहेगा ताऊ जी? 1,55,000 है मोल इसका। 1,55,000 रुपए जो कीमत है वो रखी गई है। अगले पशुधन एक किलो घी की गारंटी इसकी, 20 दूध देगी। हाँ जी, 1 किलो घी की पूरी गारंटी आप ले रहे हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट टाइमर झोटी? ये फर्स्ट टाइमर है। दांतों में कैसे हैं? ये चौथे रेब निकाले हैं, ठीक है। तो क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल्स हैं? ये खारकी है, भी खीस से खाली होकर के इसमें 8 लीटर दूध है। काफी सारे पशुपालक भाइयों की डिमांड अक्सर फर्स्ट टाइमर झोटी को लेकर के रहती है, और खीस से खाली होते ही 7 से 8 लीटर जो दूध है वो मौके पे तैयार। चेहरे मोरे की जो बनावट है वो आप देखिएगा, हाइट कदकाठी, पीठ की क्वालिटी वो आप देखें, नीचे से थन आप देखें, ब्यूटी वाले जबरदस्त जो थन है वो। तो ताऊ जी इसका क्या कुछ मोल भाव? इसके 1,15,000 रुपए। 1,15,000 रुपए। एक सेकंड ब्यात की है जी, ये ब्याई 10 दिन की है जी, इसमें 10 लीटर दूध है अभी। दूसरे ब्यात में एक और पशुधन 10 दिन का ब्याया हुआ, मौके पे 10 लीटर जो दूध है वो तैयार, मीडियम हाइट में कहूंगा। और चेहरे मोरे की बनावट देखिए, सींग है माथे पे जमता हुआ, बच्चा इसके नीचे ताऊ जी कटड़ी है, कटड़ी है, ब्रीड बढ़िया कटड़ी का भी। हेल्दी फीमेल काफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके क्या कुछ कीमत है? इसके 95,000 रुपए। ये सुनोगी है 95,000 रुपए में आपको देखे, दूसरे ब्यात की शानदार झोटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक और पशुधन है जी, बता दीजिए। ये भी इसका ब्याने का टाइम बाकी है, करीबन 2 महीने 2 महीने 8 महीने की गैप बन है फिलहाल। हाँ जी, ठीक है। तो क्या कुछ दूध ताऊ जी इसने पीक पे दिया? 15-16 दूध दिया। तो अब की बार कौन से ब्यात में बच्चा देगी? अब की बार ये दूसरी ब्यात देगी, पहले ब्यात दिया था 15 लीटर दूध, पहले ब्यात में 15 किलो दूध इसने दे रखा था। सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी। क्या कुछ मोल भाव रखोगे सर? 90,000 रुपए इसके। 90,000 रुपए। 8 महीने की ग्याबिन बाकड़ी भैंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो अडर है बिल्कुल सूखा हुआ अडर, और उसमें जो नसें हैं, जो वेन्स है आप देखिएगा, मोटी मोटी जो वेन्स हैं वो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगले पशुधन पे आएंगे ताऊ जी। ये सेकंड ब्यात में बहने वाली है, अभी 20 दिन बाकी है इसके जी। और पहले ब्यात में 12 लीटर दूध दे रखे है, इस बार 14-15 की उम्मीद है इसकी। सेकंड लैक्टेशन में पशुधन, 20 दिन का समय बचता है, मीडियम हाइट में, पैरों के बीच का टाइट अडर पीठ आप देख लीजिए, काफी काफी बेहतरीन। तो क्या कुछ दूध इसने पहले ब्यात में निकाला? इसने 10-11 पहले ब्यात में दिया है, 10-11 लीटर दूध पहले ब्यात में है। तो अब की बार क्या उम्मीद कर रहे हो? 14 लीटर कम से कम। 14 लीटर। मोल भाव की बात करें तो ताऊ जी? हाँ, तो इसके 85,000 रुपए। 85,000 रुपए, ठीक है।
तो ताऊ जी के सुपुत्र हैं भीम भाई, आप यहाँ पे देखिए डिटेल्स, गाय की डिटेल्स भाई बताएंगे क्योंकि यही खरीद करके लाए हैं। नमस्कार भीम भाई। नमस्कार सर। कैसे हो जी? बढ़िया जी, बढ़िया। कैसा काम चल रहा है भीम भाई? हम बढ़िया जी। काम तो वैसे पूछने की जरूरत है नहीं, कस्टमर्स का जो जमावड़ा है माल देंगे वो ग्राहक उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करें सर गायों की, कर्नाटका के लिए आप भेज रहे हैं, कितनी गाय जा रही है? 10 गाय जाएंगी। क्या कुछ जानकारी है? एक नंबर से ही शुरुआत कर ले। 22 किलो दूध दिया जी पिछली बार, बहुत अभी तीसरे ब्याज में है। ठीक है ठीक है। मैंने तो 22 करके, आपकी बार भी 22 करके दिया है। अच्छा हाँ जी। तो ब्याज कौन सा है? तीसरे ब्याज। तीसरे ब्याज, इसको दूसरा बोल सकते। समय कितना बचता है? अभी 15 दिन। 15 दिन। तो देखो 20 प्लस दूध की जो गाय है, काफी जबरदस्त हाइट, जबरदस्त जो अर्डर क्वालिटी है उसमें 15 दिन का समय अभी काविंग करने में बचता है। तो 15 दिन में और भी अच्छा खासा जो लेवा ऑर्डर बहुत करेगी जी, वो देखने को मिलेगा। तो ये कितने में दिए भीम भाई? ये 86,000 रूपए। 86,000 रूपए। बात करें अगले पशुधन की, ये दूसरे में दूध दे, मान लो ब्याएगी अभी। हाँ ब्याने वाली है। ठीक है ठीक है। पहले ब्याज में दूध दिए इसने 17-18 लीटर। 17-18 लीटर दूध फर्स्ट लैक्टेशन में निकाला है, सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी। ये कितने में दिए? ये 86,000 में। 86,000 रूपए में। हाँ जी ठीक है। अगली गाय पे आते हैं। ये इसमें दूध था जी, ये मानो आप 30 लीटर निकाल के लेके आए थे। बहुत बढ़िया। लेकिन इसका बच्चा मर गया था, अभी कुछ दूध कम हो गया इसका। ठीक है। अभी मानो इसका 22-23 लीटर दूध, अभी मानो 30 लीटर दूध इसका। हाँ, दो टाइम नेप के लेके आई है। तो कौन से ब्यांत में है ये? अभी दूसरे ब्यांत में। दूसरे ब्यांत में। हाँ। बच्चा है नहीं, बच्चा मर गया है। कितने टाइम की ब्याई होगी ये? ब्याई होगी जी 20-21 दिन की। 20-21 दिन की। तो ये किस भाव में दी है? ये 1,11,000। 1,11,000। हाल फिलहाल में दूध कितना है? अभी मान लो 22 लीटर है, लेकिन लेके आया 30 लीटर था। 30 लीटर। तो अब 7-8 लीटर कम हो गए। हाँ कम हो गए, बच्चा मरने के कारण कम हो गए, बोल रही है बार बार। बहुत बढ़िया भीम भाई। तो एक बिल्कुल तरोताजा काविंग के साथ। दो दादाजी अभी चौथे तोड़े हैं जी। ठीक है, बहुत सीधी है देखो जी, पहले शराफत से भरपूर दो दांत फर्स्ट टाइमर जो गाय है वो आप यहाँ पे देखिएगा, पहले ब्याज में देख लो जी। और जबरदस्त जबरदस्त जो ऑर्डर है वो नीचे जो बछड़ी आपको देखने को मिलेगी। क्या कुछ दूध है अभी हाल फिलहाल? अभी खीस खाली होती है, इसमें होगा 12 लीटर। 12 लीटर दूध। तो ये कितने में दिए हमने? ये दिया जी 77,000 का। 77,000 रूपए। 77,000 रूपीज में ये हमने दिए है। लास्ट में तीन गायें और बचती हैं, बता दीजिए भाई साहब। ये बिक्री के लिए है दो। अच्छा सेल के लिए। हाँ। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं एक बार बता दीजिए। ये इसमें पिछली बार 20 किलो दूध था। हाँ। अभी खीस से खाली किया है। खीस से खाली कर रखी। हाँ है। कितने दिन की ब्याई होगी अभी? ये 3-4 चौथा दिन है इसको। ठीक है। बच्चा नीचे? नीचे इसको बछड़ी है जी, बछड़ी अंदर बंदी होगी। ठीक है। तो भीम भाई बात करें इसके मूल भाव की। 85,000 रूपए। बहुत बढ़िया। अगली गाय वो भी सेल के लिए है? ये सेल के लिए, ये भी जी बता दीजिए। पिछली बार इसमें 20 लीटर दूध था। हाँ। अभी ब्याने वाली है ये, हल्के हल्के धब्बे से स्किन पे। ये क्या पिछली बार इसको लिम्पी आई हुई थी? अच्छा लिम्पी। हाँ, के कारण। अब की बार कोई नहीं है इसको। ठीक है। हाँ जी। तो ताजा ब्याई हुई है अभी? हाँ जी, नहीं ब्याने वाली है अभी। ब्याने वाली। कितना टाइम बचता है इसका? अभी इसका 7 दिन है कम से कम। 7 दिन। तो बात करें मोल भाव की। इसका 85,000 रूपए। कितना दूध दे देगी? 20 प्लस रहेगा जी। 20 प्लस दूध। बहुत बढ़िया। लास्ट में एक और गाय बचती है, ये वहां जाएगी कर्नाटक बीदर। कर्नाटक बीदर। हाँ जी ठीक है। ये किस खाली है जी? अभी कल का ये है, कल सुबह का बच्चा दिया है। ठीक है। ब्याज कौन सा? 25 प्लस रहेगा ये तीसरा। 25 प्लस दूध। तो अर्डर आप देख लीजिए, जो नसों का जाल है अर्डर में, साफ साफ जबरदस्त जो मोटी मोटी वेन्स है, नसे है वो, और दूध आप देखिए थोड़ा थोड़ा टपक रहा है क्योंकि मिल्किंग का समय हो चुका है। और नीचे जो हेल्दी मेल काफ यानी के जो बछड़ा है आपको देखने को मिलेगा। ये किस भाव में दिया आपने? ये 95 का। 95,000। तो भीम भाई गायें अपने पास अगर कोई लेने आए तो किस रेंज से किस रेंज तक की मिलेंगी? गाय 65,000 से स्टार्ट हो गए, मर्जी है ऊपर 1,25,000 तक। 1,25,000 भी गाय ये जाने वाली आज। और डेयरी फार्म अंदर की जो व्यवस्था है भाई की वो दिखा देते हैं क्योंकि बाहर स्पेस कम है। तो ये सारी गायें लोड होकर के जा रही हैं। हाँ, कर्नाटक के लिए पुणे जाएगी ये पुणे बाहर वाली कर्नाटक। ये ऑनलाइन जा रही है अपनी ये सभी गाय। ठीक है। तो देखो ऑनलाइन भी लोग भरोसा करते हैं क्योंकि वर्षों पुराना जो अनुभव है वो इस डेयरी फार्म का रहा है। और हमारे शोनारायण ताऊ जी सबके चहेते मैं कहूंगा, एक नाम कमाया है, एक दूर दूर तक एक इज्जत कमाई है और उसी के बलबूते पे आज ये डेयरी फार्म बहुत बड़ी सक्सेस पॉइंट पे मैं कहूंगा। और भीम भाई बार बार शुभकामनाएं, ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहे हमारे भाई। क्या कुछ संपर्क सूत्र है आपने? हाँ जी मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर 99926-11554 जी, और 99926-11553 दोनों डिजिट। हाँ, में आपके ही नंबर है। पिताजी का 53-54 मेरे। बहुत बढ़िया जी। तो आज का पशुधन था जिला हिसार के गांव मिंगनी खेड़ा से। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। काफी सारी भैंसे सेल के लिए अवेलेबल हैं, काफी सारी जो गाय हैं वो सेल के लिए अवेलेबल हैं, और अच्छी और उत्तम क्वालिटी के लोड के लिए भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।
तो जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।